उधर मालन जब्बा में बर्फबारी से वैसे तो मुकामी लोगों की मुश्किलात बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए रोजगार का दरवाजा खुल जाता है। इसकी तफसीलात ना जान लें इस रिपोर्ट में। कुदरती नजारों से मालामाल मलम जब्बा, जब बर्फ की चादर उड़ता है तो इसकी हुसन और दिलकशी को चार चांद लग जाते हैं। चारों ओर पेली बर्फ देखने में तो बहुत बली लगती है, लेकिन इस पर गाड़ी चलाना मुश्किल ही नहीं इंतहाई खतरनाक भी है। ऐसे में मुकामी लोगों पर रोजगार के दरवाजे खुल जाते हैं, जो सयाहों की गाड़ियों को चैन पर हम करके रोजी कमाते हैं। इसकी फायदा चैन से 700-800 रुपए लगाता है ना। अच्छा, अगर ऊपर से गाड़ी आसानी से चढ़ता है ना। जैसे ही गाड़ी को चैन लग गया, गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। ले जनाब, अब सयाह बिला खौफ और खतर बर्फ पर सफर कर सकते हैं। मलमजवा में 40 के करीब लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। मेहमानों के लिए रखे है कि मेहमान बगैर चेंज की गाड़ी लेकर आती है तो बगैर चेंज की गाड़ी नहीं चढ़ जाती। मलमजवा में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी पड़ती है और ये पाकिस्तान का वाहिद सेवल इलाका है जहाँ आम लोगों के स्केटिंग के मुकाबले होते हैं। इसलिए बर्फबारी के सीजन में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश लगा रहता है। बर्फबारी से एक तरफ सयाह लुत्फानंदोज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ये बर्फबारी मुकामी लोगों का रोजगार का जरिया भी बन जाता है। शिरीन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, मलम जबा, स्वात। सर्दियों ने कराची में पर फैलाए तो शहरियों ने एक बार फिर रुख कर लिया साहिले समंदर का।